अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुश्ताक शाह, सन ऑफ अब्बास अली शाह। मैंने इस दफ़ा सर्विस कोटा से TSI के लिए सब इंस्पेक्टर की सीट्स के लिए अप्लाई किया था, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम और अपने वालदैन की दुआओं से मैं एज ए TSI सेलेक्ट हुआ हूँ। पहले मैं सर्विस कर रहा था पुलिस में, अभी सर्विस कोटा में TSI सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैंने जो है अपनी सारी की सारी जो तैयारी है हाउस ऑफ नॉलेज चैनल से की थी। और मज़ेदारी की बात यह है क्योंकि हमारा मतलब हमारी जो जॉब है काफ़ी हैक्टिक है, इस जॉब में एग्जर्ट करना इंतहाई डिफ़िकल्ट काम है, पढ़ने का टाइम नहीं होता और ना ही मुझे पढ़ने का टाइम था ना मैं पढ़ सका हूँ। मैंने सिर्फ हाउस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब किया था, इस चैनल के जितने भी लेक्चर्स थे ख़ास तौर पर, मतलब क्योंकि मैंने पूरे YouTube पे जितने भी चैनल्स हैं कोई भी ऐसा चैनल नहीं देखा कि जिसमें इतना मतलब ब्रीफली और इतने अच्छे तरीके से मतलब किसी एक सीट के लिए तैयारी करवाई गई हो। जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने किसी ना किसी मतलब जॉब के लिए या किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयारी करवाई है। इन्होंने वाहिद ये ऐसा चैनल है कि जिसने टोटली मतलब सब इंस्पेक्टर्स की सीट्स को टैकल करने के लिए ये तैयारी करवाई, और इंतहाई अच्छी तैयारी करवाई है। मैंने बड़ा फोकस करके, मैंने सिर्फ हाउस ऑफ नॉलेज से तैयारी की है, खासतौर पर वो जो कंप्यूटर के MCQ से और इंग्लिश के MCQ से मैं साथ साथ लेक्चर सुनता था, सुनने के बाद फिर मैं उसके साथ साथ नोट्स बनाता गया। और मेरे पास टाइम ही नहीं था कोई बुक्स वगैरह पढ़ने का, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई कहीं से तैयारी नहीं की, सिर्फ हाउस ऑफ नॉलेज से तैयारी की है, इसके नोट्स बनाया। नोट्स बनाने के बाद फिर उनको मैं रिवाइज करता रहा हूँ, और चैनल वो जो चैनल्स के लेक्चर्स थे वो मैं डाउनलोड करता गया। करने के बाद मैं काफ़ी दफ़ा, मेरा ख्याल है मैं सरवकास के जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने हर लेक्चर को 10-10 दफ़ा सुना होगा, और ज़्यादा रिपीट, जब जैसे जैसे आप ज़्यादा रिपीट करते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन है एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो तैयार होते हैं। और मैं भी सबको यही मतलब नसीहत करूँगा कि ये जो आगे जो अपीयर होना चाह रहे हैं सब इंस्पेक्टर्स के लिए, इससे अच्छा चैनल मैंने कोई नहीं देखा। मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ना तो मैं सर वकास साहब जो मैं मतलब ठीक है मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे वो टीचर हैं, मैंने उनसे तैयारी की है, उन्होंने कोई ऐसा मतलब मैं उनको ये मक्खन लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बल्कि मेरे वैसे भी मेरी सराउंडिंग में जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, उसमें कामयाबी हासिल की है, तो आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, तो मैं उन सबको हाउस ऑफ नॉलेज के जो लेक्चर्स हैं ये ही मैं उनको मतलब रेफ़र करता हूँ कि इनको अच्छे तरीके से सुनो, सुनने के बाद नोट्स बनाते जाएँ, और इंशाल्लाह आप लोग मतलब इसको इस एग्ज़ाम